हेलो एवरीबॉडी, ये अपनी किया सेल्टोस HTX और आज हम इसको फुल्ली टॉप मॉडल बनाने वाले हैं। अब देखो, टॉप मॉडल से मैं GT लाइन मीन नहीं कर रहा, क्योंकि अपना है डीजल मैनुअल और जो अपना GT लाइन वेरिएंट है वो अपना डीजल मैनुअल में नहीं आता। तो डीजल मैनुअल का सबसे टॉप है HTX, तो उसी में हम आज इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। देखो, एक्सटीरियर से तो हर एंगल से ये फुल्ली HTX ही है। जस्ट सामने इसमें अपने को पार्किंग सेंसर नहीं मिलता, जो कि HTX में है। वो खैर दूर से किसी को समझ में आएगा भी नहीं कि पार्किंग सेंसर है कि नहीं, और पार्किंग सेंसर के सामने तो खैर मेरे को कोई नीड लगती नहीं। और सेकंड जो चीज़ है बाहर से डिफरेंशिएट करती है HTX और HTX प्लस को, वो है अपना ये अपना HTX है। इसमें अपने को कोई स्पॉयलर नहीं मिलता, लेकिन जो HTX प्लस है उसमें अपने को एक ग्लॉसी ब्लैक स्पॉयलर मिलता है। तो आज हम एक स्पॉयलर लगवाने वाले हैं, और ये सामने अपनी एक्सेसरी शॉप है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी इसकी फिटिंग वगैरह होती है, कितना अपने को पे करना पड़ता है प्राइस। और पहले मैंने जो इस दुकान से एक्सेसरी लगवाया था, जो कि अपना 70 मैट हो गया, बाकी जो चीज़ मैंने वीडियो डाला था आप देख सकते हैं, उसमें उन्होंने स्पॉयलर का रेट बताया था ऑलमोस्ट 4,500 के करीब, और यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं 3200 से 3500। तो ये मेरे को ऑलमोस्ट 1,000 से भी ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है। तो यहीं पर ट्राई करते हैं कैसी फिटिंग वगैरह होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, तो वीडियो में आप ट्यून इन रहिएगा। तो भाई, इस दुकान पे अपना मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, मिशन फेल्ड, क्योंकि उन्होंने कहा कि स्पॉयलर अवेलेबल ही नहीं है। उनका कहना है कि पीछे से अपना जो पार्ट निकला हुआ है वो स्पॉयलर जैसा ही है जो अपनी कंपनी से आता है यहाँ पे, और ऐसा है कि कंपनी स्पॉयलर बना ही नहीं रही है। तो खैर, ये तो कोई रीज़न नहीं है भाई, स्पॉयलर तो हर जगह आपको मिलता है मार्केट में। तो यहाँ पे तो खैर अपना काम नहीं हुआ, तो चलते हैं भाई किसी दूसरे दुकान पे, देखते हैं कि क्या सिस्टम अपने को बनता है। तो भाई, स्पॉयलर की खोज में हम आ चुके हैं घर से बहुत दूर, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर दूर। ये देख सकते हो एलोरा रेक्सिन करके कार एक्सेसरी शॉप है। हम जो रहते हैं कोलकाता में वो मेट्रो सिटी है। मैं आपको बता दूं, मैं लास्ट 1.5 महीने से स्पॉयलर की खोज कर रहा हूँ। 5-6 दुकान मैंने देख लिया, एक जगह पर भी अवेलेबल नहीं है, और जहाँ पर अवेलेबल था, खैर अवेलेबल नहीं था, वो लोग कह रहे थे कि बाहर से मंगवाएंगे, लेकिन वो 5,000 रुपये ले रहे थे, काफ़ी ज़्यादा था मेरे हिसाब से। तो इधर एक मामा के घर पर आए थे काम से, तो इधर भी एक एक्सेसरी शॉप है अपना एलोरा रेक्सिन, तो इनसे पूछ लेते हैं, और इन्होंने कहा भी है कि अवेलेबल है, 3,500-3,000 में हो जाएगा। तो देखते हैं भाई कैसा अपना होता है। और ये अपना हो गया नेशनल हाईवे 2, इस तरफ अपना पड़ता है कोलकाता 180 किलोमीटर, उस तरफ अपना दिल्ली पड़ता है। ये देखो भाई, ये अपना चीज़ है, एक्सा फिटिंग देखो भाई आप, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल जो एकदम फुल GT लाइन वगैरह होता है ना, HTX प्लस टॉप मॉडल, ग्लॉसी ब्लैक फुल, ऐसा ही फिनिशिंग आ रहा है। कपड़ा ला पोज, अब देखो दागी मार, पेंसिल ला, देखो भाई ये अपना फिटिंग अभी हुआ नहीं, जस्ट आप देख सकते हो ओवरऑल लुक। और ये अपना दुकान है, नंबर वगैरह आप देख सकते हो, आपको अगर चाहिए तो भाई बढ़िया प्राइस में आपको मिल जाएगा। और अभी भैया से बात करते हैं, भैया इसका फिटिंग क्या, ड्रिल विल तो नहीं होगा ना? ओरिजिनल फिटिंग, ओरिजिनल फिटिंग तो एकदम बिल्कुल। क्या टाइमर से चिपकाएंगे या फिर क्या सिस्टम है? नहीं, इसका डबल गम चेप टीप है। अच्छा, ये छूटेगा तो नहीं ना? नहीं, कभी नहीं। कुछ गारंटी वगैरह है क्या, अगर अचानक छूट गया तो फिर से रीफिटिंग कर देंगे, मगर छूटेगा नहीं। ठीक है सर। और इसकी प्राइसिंग कितनी हो जाएगी? ये आपको लगा हुआ कि 3,000 रुपये करीब, 3,000 करीब, तो 2,800 से 3,000 सही है भाई। बिल्कुल लुक आप देखो कितनी एकदम मस्त लग रही है, पहले जो बिल्कुल थोड़ी सी मतलब फीकी फीकी सी, पीछे से गंजी सी टाइप की लग रही थी ना, नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, बट इससे अपनी फुल तगड़ी वाली इसकी लुक निकल के आ रही है भैया। खुद देख लो कितनी ज़्यादा ये स्पोर्टी इसमें लग रही है। अभी भाई मेजरमेंट वगैरह ले रहे हैं पेंसिल से, और फिर उसको अभी चिपकाएंगे। अभी आप देखो बिना उसके कितना सा बेसिक सा लुक आ रहा है, बिल्कुल लोअर मॉडल जैसा। ये देखो भाई, ठीक है, प्राइमर है भैया? नहीं, ये डेंड्राइट। देखो भाई ऐसे ऊपर साफ वगैरह हो रहा है, उसके ऊपर अपना ये ग्लू डेंड्राइट शायद ये लग रहा है इसके ऊपर भाई। वहाँ
ये देखो भाई, अब जाके इसमें फिटिंग होगी। अभी आप लास्ट इसका लुक देख लो विदाउट स्पॉयलर। ऊपर से भाई विदाउट स्पॉयलर मेरे को ये पसंद नहीं आती किया सेल्टोस, थोड़ी सी मतलब गोल गोल सी लगती, गोल मटोल सी। एसयूवी में ये गोल चीज़ मेरे को पसंद नहीं है। स्पॉयलर से इसका थोड़ा सा बढ़िया एग्रेसिव लुक निकल के आता है भाई। ये देखो भाई, फिटिंग वगैरह इसकी हो रही है फुल। देखो भाई आप, लग तो रही है फुल बढ़िया। फुल पीछे से लुक देखो, बिल्कुल अलाइंड ये है इसकी जो लुकिंग है भाई, मस्त लग रही है भाई ये फुल। जस्ट ये छूट ना जाए इसी का डर है, होपफुली नहीं छूटेगा। छूट तो नहीं जाएगा नहीं ये। ओके भाई, भाई स्पॉयलर लगवा के मैंने ट्रैवल कर लिया है ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर। फुल हाईवे में था लेकिन फिर भी अभी ये भी ये ऐसा ही है, अभी भी इसका कोई छूटने का कोई निशान नामो निशान कुछ है नहीं। तो मेरे को तो लगता है भाई ये जेन्युइन ही चीज़ है, मतलब छूटने का ख़तरा तो खैर इसमें आने वाला है नहीं। भाई इनका जो काम था ना, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, ये जो एक्सेसरी वगैरह आप लगवाते हो ना, आप कोशिश करना बिल्कुल जो मेट्रो सिटी के बड़े बड़े दुकान होते हैं ना, वहाँ से आप अवॉइड ही करो। वहाँ पे क्या होता है, प्राइस तो आपको बहुत ज़्यादा वो लोग लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनका पास मतलब जो ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं ना अवेलेबल होता भी नहीं है। तो आप जो मेट्रो सिटी से बाहर स्मॉल टाउन में जो एक्सेसरी शॉप है ना, वहीं पे आप लगवाने की कोशिश करो। वो लोग आपको ठीक तरह से लगवा के भी देंगे, भी आपकी सुनवाई भी होगी। क्योंकि मैंने जो बाहर से मतलब ये एक्सेसरी लगवाए थे, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना रखा था, जहाँ मैंने कोलकाता मेट्रो सिटी में ही सारे एक्सेसरी लगवाए थे, ये डोर वाइज़र हो गया सब कुछ। क्वालिटी आप देखो, अभी से एक महीना हुआ नहीं ये निकलने लगा है। फिर इसका जो क्रोम है ये भी छूट चुका है, और ऐसा नहीं कि कम दाम में मैंने लगवाया था। ये डोर वाइज़र मेरे को याद है कुछ 1500-1600 का लगा था, लेकिन फिर भी ऐसा हाल है। तो मेट्रो सिटी में आप यही उम्मीद कर सकते हो, मैं तो भाई और कभी नहीं लगवाने वाला। और जहाँ से मैंने ये सब लगवाया ना भाई, बहुत ज़्यादा प्राइस ले लिया उन्होंने। ये बूट मैट को उन्होंने कितना 1800 या कुछ लिया था, मैंने चेक किया था। किया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे एक्सेसरी का प्राइस था 1400 के कुछ। तो मैं किया से ही नहीं लगवा लेता। हाँ, मेरे को ये पहले रिसर्च कर लेना चाहिए था, अगर मैं देख लेता तो मैं किया से लगवाता। फिर ये 70 मैट्स, इनकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है ये मानना पड़ेगा, लेकिन प्राइस इन्होंने लिया था इसका 5500 रुपये। और सेम मैंने जहाँ से ये स्पॉयलर लगवाया था वहाँ से मैंने पूछा, सेम चीज़ उन्होंने 3000 रुपये में डील डन किया था। तो भाई गलती हो गई, बाद में लगवाना चाहिए था। और एक और बात, किया में ये सेम चीज़ आपको 5200 में मिल जाता। तो वंस अगेन मैं यही कहूँगा, मेट्रो सिटी में बड़े दुकान से कार एक्सेसरी लेना आप अवॉइड ही करो भाई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।